नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं हम ड्रैगन फ्रूट के एक खेत में। इस किसान ने नया ये ड्रैगन फ्रूट का जो फार्म है ये नया लगाया है इन्होंने। इसकी एक संक्षेप में आपको छोटी सी जानकारी दूंगा मैं आपको। ये जो ड्रैगन फ्रूट है इन पिलर्स के ऊपर लगता है, ये सीमेंट के पिलर्स हैं। और इसकी जड़ में जो आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे जो पौधे लगे हैं ये ड्रैगन फ्रूट के ही हैं, जो एक पिलर पे चार पौधे लगते हैं। ये पिलर इस किसान ने खुद तैयार करे हैं अपने फार्म पे ही, अपने खेत पे। तो एक पिलर को बनाने का खर्चा लगभग 700 रुपये के आसपास आया है, और एक एकड़ में 500 पिलर लगते हैं इस तरह के। तो लेबर वगैरह इंक्लूड करके 4 लाख के आसपास टोटल पिलर का खर्चा आएगा। अगर पौधे की बात करूँ, ये छोटे छोटे जो पौधे देख रहे हैं आप चारों साइड से लगे हुए हैं ड्रैगन फ्रूट के, ये इन्होंने बाहर से मंगवाए हैं। एक पौधे की जैसे कीमत 770 रुपये वाली भी है इसमें पौधा, 150 रुपये वाला भी है, 200 वाला भी है। इन किसान का मानना है कि जिस पौधे की, मान लीजिए 70 वाले के या 150 वाले की, जिसकी वैरायटी प्रोडक्शन अच्छी निकलेगी 1.5 साल बाद, क्योंकि 1.5 साल बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होती है इसमें अच्छी तरह से, उसके बाद ये उसी के अकॉर्डिंग उसी वैरायटी के पौधे को आगे बढ़ाएंगे खेत में अपने आप तैयार करके नर्सरी को। तो अगर मैं एवरेज एक पौधे की कीमत 100 रुपये पकड़ूँ तो एक पिलर पे चार पौधे लग रहे हैं, यानी 400 रुपये का आपका पौधे का खर्चा है। 500 पिलर पे 2 से 2.5 लाख का खर्चा आ गया ये, यानी कि टोटल अगर सब कुछ इंक्लूड करके मैं बात करूँ एक एकड़ में 8 लाख के आसपास खर्चा आएगा आपको ड्रैगन फ्रूट का। 1.5 साल बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होगी इसमें। फ्रूटिंग के टाइम पे भी मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगा कि कितना उसमें फ्रूटिंग आया है और कितना प्रॉफिट क्या लॉस रहा उसमें। और जैसा कि मैंने बताया आपको, 1.5 साल बाद इसमें फसल आएगी। तब तक इन किसान ने बीच में इंटर क्रॉपिंग करके, देखिए ये मक्का और धनिया की खेती कर रहे हैं बीच में, दो बेड के बीच में, दो पिलर्स के बीच में, ताकि इसकी जगह को यूटिलाइज कर सकें। ये देखिए आप मक्का देख सकते हैं साइडों में, ये धनिया लगा हुआ है, क्योंकि तब जब तक फसल होने में भी 1.5 साल बाकी है तो तब तक बीच में इंटर क्रॉपिंग करके ये रेगुलर इंटरवल पे इसमें फसलें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी इसमें जब इसका साइकिल कंप्लीट होगा, जब 1.5 साल बाद फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, उस टाइम पे मैं प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो सारी डिटेल में जानकारी दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।